नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम आपको लहरतारा से मोहनसराय तक बन रहे 6 लेन सड़क की लेटेस्ट जानकारी आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये इस वक्त हम लोग देखिए, ये लहरतारा का ये जो फ्लाईओवर है, और इस साइड आगे आप जाइएगा तो कैंट स्टेशन की तरफ चला जाएगा वो रास्ता। और ये देखिए यहाँ पर ये चौराहा है, और ये फ्लाईओवर है जो आगे फुलवरिया और शिवपुर जो 4 लेन बन रहा है वो यहीं पर आकर देखिए यहाँ पर आगे मिलेगा। और आगे जो यहाँ पर जब ये समाप्त होगा तो वहीं से 6 लेन स्टार्ट हो जाएगा, और वो आगे आपको भिखारीपुर तिराहा से होते हुए आगे मोहनसराय तक चला जाएगा। ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो फ्लाईओवर है ये ऊपर लगभग पूरा बन गया है। चलिए अब आपको इस फ्लाईओवर के ऊपर चलकर दिखाते हैं क्या काम हो रखा है। तो ये देखिए हम लोग ये फ्लाईओवर पर आ चुके हैं ये, और देखिए यहाँ पर ये जॉइंट है, ये जोड़ा जाएगा। ये देखिए ये पूरा ढलाई हो चुका है, ये पूरा फ्लाईओवर लगभग देखिए कंप्लीट ही है। अब इसके बाद इसे ढाल कर इस पर रोड बना दिया जाएगा, और जब शिवपुर लहतारा फुलवरिया वाला जो 4 लेन है वो बन जाएगा तो मतलब लोगों के लिए काफ़ी मतलब सुविधा हो जाएगी, और पूरा जाम से निजात लोगों को मिलेगा, क्योंकि ये पूरा मतलब कैंट के तब जो रात जाता है पूरा वो जो ट्रैफिक है उधर डाइवर्ट हो जाएगा। कार्य प्रगति पर है, कृपया धीरे चलें। और इसका जो निर्माण है उत्तर प्रदेश निगम सेतु लिमिटेड कर रही है। आपको बनारस में बहुत सारे प्रोजेक्ट का निर्माण यही कंपनी कर रही है। तो यहीं से देखिए ये 6 लेन स्टार्ट होगा, 4 लेन तो पहले से ही है, लेकिन अब इसको ये दोनों साइड से एक एक लेन इंक्रीज किया जा रहा है। ये देखिए इधर यहाँ पे ये देखिए ये नाला का ढलाई हो रहा है उधर साइड। ये देखिए इधर भी ये पूरा मतलब गड्ढा ये कर दिया गया है, जितना भी जो अतिक्रमण हुआ रखा था वो तो सब कुछ हटा दिया गया है। ये भी एक साइड की कार्रवाई हुई है, तो दूसरे साइड अभी ये सब कार्रवाई होनी बाकी है। तो एक साइड देखिए अभी पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर दूसरे साइड का स्टार्ट किया जाएगा। और आपको बता दें कि ये एक साइड 28 मीटर सड़क और उस साइड 28, ये दोनों मिला के कुल 56 मीटर ये सड़क हो जाएगी चौड़ी। ये बन जाएगा तो मतलब जाम से लगभग मुक्ति मिल जाएगी बनारस को, क्योंकि ये वाला जो रूट है लहरतारा भिखारीपुर वाला जो रूट है काफ़ी मतलब बिजी रूट है, काफ़ी मतलब जाम हमेशा लगा रहता है। ये देखिए पूरा अतिक्रमण हटा के अब नाला बनाने का काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट का बात करें तो इसमें लगभग 245 करोड़ रुपये खर्च होने हैं, और लहरतारा से मोहनसराय तक 10 किलोमीटर की ये सड़क बन रही है 6 लेन, और वो आगे आपको नेशनल हाईवे से जोड़ दिया जाएगा, जिससे दिल्ली कोलकाता प्रयागराज आदि के जो रूट वाले वाहन हैं उनके लिए भी आसानी होगी। और इसका ख़ास करके जैसा मैंने बताया कि लहरतारा मोहनसराय में जो जाम की समस्या है उससे लोगों को निजात मिलेगी। और ये देखिए इधर आगे मार्केट की तरफ ये गिट्टी भी बिछाई देखी गई है, काम मतलब एकदम फुल स्विंग में चल रहा है। इधर आपको ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा, अभी जो मेन काम है मोहनसराय तरफ चल रहा है भिखारीपुर से आगे। आज के वीडियो में तो मैं आपको ये भिखारीपुर तक का प्रोग्रेस दिखा रहा हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊँगा तो वो पूरा उधर का भी मैं उसके आगे का कवर करूँगा। तो ये देखिए इधर का ये मार्केट की जो दुकान है देखिए सब अब पीछे हो चुका है, जब सब तोड़ा गया था तो काफ़ी अस्त व्यस्त लग रहा था, लेकिन अब हो गया। देखिए उधर का उधर अभी काम नहीं हुआ है उस साइड। और ये देखिए यहाँ पर ये पूरा एकदम सुहा कर दिया गया है, और ये हम लोग अभी
ये DLW के पास हैं। ये देखिए पूरा इसको तो एकदम हटा ही दें, फिर थोड़ा सा भी बच के क्या उसका रहेगा, पूरा ध्वस्त कर दिया गया। ये देखिए यहाँ पर, ये सामने आपको थोड़ी दूर पर भिखारीपुर का जो तिराहा है वो आपको मिल जाएगा। और ये यहाँ पर ही देखिए, इधर नाला का काम अभी जोर शोर से चल रहा है। और ये इधर सामने आके जाइएगा, ये DLW, और आगे यहीं थोड़ी दूर पर बहुत बड़ी सब्जी मंडी लगती है रोड पर ही, तो उससे भी काफ़ी जाम की समस्या हो जाती है। पूरा ढलैया का काम चल रहा है, अगर वीडियो में आपको दिख रहा होगा तो, जो नाला का जो ढलैया का काम चल रहा है पूरा हर तरफ। और ये देखिए, ये आप अभी मैं भिखारीपुर तिराहा के पास हूँ, और ये उल्टे साइड इधर देखिए, इधर का भी अतिक्रमण पूरा हटाया गया। ये देखिए पूरा ध्वस्त कर दिया गया एकदम। इधर देखिए सब्जी जी पूरा मार्केट ये बना हुआ था, देख रहे हैं ना, सब कुछ हटा दिया गया है। विकास होता है तो जो छोटे मोटे जो वेंडर होते हैं उनके लिए भी काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन ये ज़रूरी है दोस्तों, बनना भी काफ़ी मतलब, नहीं तो प्रॉब्लम होती है, जाम की समस्या यहाँ पर हमेशा बना रहता है। ये देखिए सब्जी मार्केट अब काफ़ी एकदम सिकुड़ गया है सब्जी मार्केट, इस वजह से ज़्यादा देखिए जाम वाम भी नहीं लग रहा है अब, ये शाम का टाइम है इस साइड। देखिए लोग वहाँ काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करने वाला हूँ। भिखारीपुर से आगे मोहन सहायता का जो अपडेट है, मैं अगला वीडियो जब बनाऊँगा तो उसमें आपको वो दिखाऊँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।